चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को एक संदेश भी दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर लिखा है कि उसने नोटबंदी ही नहीं रोजगार बंद भी की है और युवाओं की सोच बंदी भी की है। अब जनता करेगी कमल के फूल की वोट बंदी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। लालू ने कहा था कि बिजली जाने पर भी अभी भी लालटेन जलाने की जरूरत पड़ती है। आरजेडी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है कि नीतीश बोलते हैं कि अब लालटेन की जरूरत नहीं है, लेकिन यह नहीं जानते कि बिजली जाने पर तो लालटेन जलाना ही पड़ता है। लालू ने एक अन्य ट्वीट में जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जदयू का तीर अब कमल के फूल को चीरने के काम आ रहा है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से कई बार कटाक्ष करते हुए कह चुके हैं कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच गई है और अब यहां लालटेन की जरूरत नहीं है। नीतीश के इन्हीं बयानों पर लालू यादव के ट्वीट के जरिए निशाना साधा था। लालू ने जदयू के चुनाव चिन्ह को लेकर अभी भी कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है कि अब कोई नीतीश को समझाए कि उसका निशान तीर तो द्वापर युग में ही खत्म हो गया था, अब उनका वह तीरवा कमल के फूल को चीरने के काम नहीं आ रहा है। का समझे, कुछ बूझे। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रीति चांदियानी और आप देख रहे हैं beforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइस सून। अगर आपको हमारा वीडियो